जदयू खत्म हो गया, जदयू समाप्त हो रहा है, उनको हम जवाब देना चाहते हैं कि जदयू खत्म नहीं हुआ, जदयू इस प्रकार बढ़ेगा पूरे बिहार में, पूरे बिहार पे छा जाएगा। और जो अगला चुनाव है हम लोग एक स्वीप करेंगे पूरे बिहार में। संसद में दिए हुए स्पीच को पढ़िए, उनकी स्पीच की कॉपी वॉल्यूम निकला हुआ है, आप देखिएगा कि उन्होंने जो बातें कही उस वक्त संसद में और बिहार में जब उनको मुख्यमंत्री का उनको दायित्व मिला, उन्हीं बातों को उन्होंने जमीन पे उतारने का काम किया और पूरे बिहार को उन्होंने बदलने का काम किया। जब हम घूम रहे थे तो कुछ कुछ कार्यकर्ता मिले, सब खुश थे कि नीतीश बाबू हैं तो हमारे बिहार में प्रगति है, चारों तरफ खुशहाली है, बिहार बदल रहा है। यह ऐसा सब जगह पे कार्यकर्ताओं में थी, लेकिन कुछ कार्यकर्ता बोलते थे, थोड़े उदास भी थे कि हमको कुछ नहीं मिला। तब मैं उन कार्यकर्ताओं से कहता था कि आपने क्या किया आप नहीं जानते हैं। ये हरेक कार्यकर्ता जो है हमारा एक मजबूत सिपाही है। जो बिहार में जो बदलाव हुआ है, बिहार में 2005 से जो हमारा शासन है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसके कर्णधार कौन है? उसके कर्णधार आप लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। आपने माननीय मुख्यमंत्री के हाथों को इतना मजबूत किया है, उनके आधार को इतना मजबूत किया है कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार पूरे बिहार में लगातार 18 वर्षों से चल रही है। ये तो कार्यकर्ताओं का है। जो बिहार में बदलाव हुआ, इतना काम हुआ, बिहार क्या था, कैसे बदला, सड़क, बिजली, पानी, हर चीज में जो प्रगति हुई, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आज बिहार के लोग चैन से जी रहे हैं। ये जो बदलाव आया, इसमें आपकी भूमिका है। चुनाव कोई अकेला कैंडिडेट नहीं लड़ता, चुनाव कोई पार्टी सिर्फ नहीं लड़ती, चुनाव एक एक कार्यकर्ता लड़ता है। और जिस क्षेत्र में रहता है, जहां भी वो रहता है, वही लड़ता है, वही हारता है, वही जीतता है। और जब हार होती है तो सबका चेहरा मायूस होता है, और जीत होती है तो सब लोग खुश हो जाते हैं। आज मैं वहां से जब चल रहा था दिल्ली से, तब मुझे मैं रिजल्ट देखा, मुझे दुख भी हुआ। मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि मैं आज जा रहा हूं, आज देखिए ऐसा रिजल्ट आया। लेकिन सबसे पहले से कार्यक्रम तय था, फ्लाइट की टिकट थी, मैं वहां पे एयरपोर्ट पे था, सर का आदेश था कि आज आना है, सीएम साहब ने कहा था कि आज ही आना है, तो मैं चढ़ा और मन में ये सब विचार चल रहे थे कि रुपौली में ये हो गया, ये हो गया। तब मुझे लगा किसी ने, नीतीश ने फोन किया, क्या भाई सब कैंसिल कर दें क्या? तो हमने कहा कि चुनाव में हार जीत है, चलता रहता है, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, लेकिन मन से कभी नहीं हारेंगे। हम हर बार यदि गिरते हैं तो गिर के उठते हैं। और बिहार में जो लोग इस बात की घोषणा करते हैं कि जदयू खत्म हो गया, जदयू समाप्त हो रहा है, उनको हम जवाब देना चाहते हैं कि जदयू खत्म नहीं हुआ, जदयू इस प्रकार बढ़ेगा पूरे बिहार में, पूरे बिहार पे छा जाएगा। जो आप में ताकत है, जो आप में गर्मजोशी है, जो आपने इस तरह का परिचय दिया है उत्साह का, मुझे लगता है कि अगले एक वर्षों में पूरे बिहार में जदयू जो है पूरी ताकत से आगे बढ़ेगा। और जो अगला चुनाव है हम लोग एक स्वीप करेंगे पूरे बिहार में।